हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेंडीफाई। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे वेंडिंग मशीन यूज होते हैं क्लोथिंग इंडस्ट्री में। क्लोथिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी नीड काफी ज्यादा है, पर हम इसे इंस्टेंटली नहीं ढूंढते और हम इसे एक टाइम टेकिंग चीज की तरह देखते हैं। क्लोथिंग इंडस्ट्री में हमारे यूसेज आइटम्स हैं जैसे कि टाई, बेल्ट्स, सॉक्स, वॉलेट्स, ग्लव्स जैसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अब बात करते हैं पेन पॉइंट्स की। कोविड से पहले लोग जनरली स्टोर्स पर जाके अपनी क्लोथिंग नीड्स को पूरा करते थे, पर जब से कोविड आया है तब से ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी है। पर आज भी अगर हमें डेली क्लोथिंग आइटम्स जैसे टाई, बेल्ट्स, सॉक्स इन चीज़ों के लिए भी मॉल जाना पड़ता है या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, जिसमें 2 से 3 दिनों का समय लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि एक वेंडिंग मशीन के आ जाने से ये प्रॉब्लम्स कितनी आसानी से दूर हो सकती हैं। अगर हम क्लोथिंग इंडस्ट्री में वेंडिंग मशीन के यूज़ केसेस की बात करें तो हम इन्हें काफ़ी सारी जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे सोसाइटी। अगर क्लोथिंग वेंडिंग मशीन सोसाइटी में लगाएं तो लोगों को नॉर्मल क्लोथिंग जैसे हमने बात करी, बेल्ट, टाई, सॉक्स, इनके लिए ना बाहर जाना पड़ेगा ना वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी 2-3 दिन के लिए। रिटेल स्टोर्स, अगर एक रिटेल स्टोर के बाहर वेंडिंग मशीन लगाए तो लोगों को लंबी लाइन में वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोग वेंडिंग मशीन से अपना सामान ईजिली ले पाएंगे। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूनिक्लो। यूनिक्लो ने अपनी वेंडिंग मशीन्स मॉल्स और एयरपोर्ट्स पर लगाना शुरू कर दिया ताकि लोगों को बेसिक क्लोथिंग आइटम्स बड़े ही आसानी से मिल सके। अगर कुछ फ़ायदों की बात करें तो उनमें से कुछ फ़ायदे हैं, ईजिली बेसिक चीज़ों का मिल जाना, ब्रांडिंग का खर्चा काफ़ी कम हो जाता है, रिटेल स्टोर्स पे लोगों को लाइन में लगना कम हो जाएगा, एंड एक वेंडिंग मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप बिना किसी डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट के अपना सामान परचेज कर सकते हो। आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपके क्वेश्चंस के इंतज़ार हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। वेंडीफाई के बारे में और जानने के लिए www.vendify.in पर विजिट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।